पूरा दस दिन का लाइव वीडियो आप देख पाएंगे विद्या लंका पानी में, इसलिए देखते रहिए विद्या लंका पानी लाइव। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले मानसी गंगा, मानसी गंगा में संकल्प करने के दौरान हम चलेंगे हरिदेव मंदिर, हरिदेव मंदिर से हम जाएंगे चक्रेश्वर महादेव यानी कि चक्रेश्वर महादेव सनातन गोस्वामी प्रभात का भजन कोटी और दिखाएंगे बहुत सारा जगह। उसके बाद है महाप्रसाद महाआरती, फिर कथा है काल का भी कार्यक्रम है और रोज हम अपडेट करते जा रहे हैं हमारा अपना ग्रुप विद्या लंका वाणी। मानसी गंगा का दर्शन करवा रहे हैं मानसी गंगा।
साथ जाइए और देखते रहिए परिक्रमा का वीडियो घर में बैठे बैठे सबसे पहले। आप देख रहे हैं मानसी गंगा से सुबह सुबह भारतीय समय के अनुसार बजे घड़ी में 10:05 और आप देख रहे हैं विद्या लंकर वाणी का एक विषय नहीं सिर्फ दो दो कैमरा से दो अलग एंगल से अलग वीडियो हिंदी और इंग्लिश का बांग्ला भी तो है, एग्रेशन भी है। तो बढ़ाओ, बढ़ा के पूरा यहाँ फेंको, कितना तक आ सकते हैं, बड़ा कर लो। भैया पैसे का बात कर लो, मुझे नहीं पता, सब बात कर लो, बाद में मेरे को मत पकड़ना। और आप देख रहे हैं पीतल अंकर पानी से Yes, sir.
इसको ऊपर रखना, नीचे मत रखो। अरे हमारे फुल नीचे होते हैं, हमारे एक दिन मारा मारा जी। अरे हमारे क्यों देवे नहीं, हमारा क्यों ना रे। अरे आप हम लोग अली ग्रुप में अरे भैया पीछे जाओ थोड़ा, सब एक करवा दिया। ब्राह्मण द्वितीय प्रारब्ध शेत बड़ा हो महोसदक्ष मनातरे अष्टविंशति मानसी गंगा भगवान दावे प्रणव भौम श्री सलग्राम शीला गो ब्राह्मण कृष्णा सन्निध भारत गृहंत पूर्ण प्रदेश अच्युत पत्र उपलब्ध अच्युत पत्र दस दिन व्यापी भोजमंडल परिक्रमा निर्विघ्न समर्थ श्री गुरु वैष्णव दास जस समस्य श्री राधा प्रेम राधा पल्लव दास लवार्थम संकल्प पीछे पीछे कपड़े में ना लगे इसका ये सब नहीं हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा। मैंने ग्रुप इधर इधर जाके करिए छोटा इसका फोकस ज़्यादा कर दीजिए, बस बस सही है, जूम नहीं करना है, जूम करने से फट जाएगा बस इसमें। आप थोड़ा सा इधर आओ, आप ही आ रहे हो। बोल मानसी गंगा की, गंगा देवी की, राज गोवर्धन महाराज की, श्री ब्रज मंडल परिक्रमा की, परिक्रमा करी भक्त वृंद की, गुरु जी महाराज की, श्री गौर प्रेमानंदे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी करण तरंग
निकलने की जगह होगी तभी तो जाऊंगा ना। आप कल ये मैंने कर दिया। Let's do it.
पहले भी करवाया पर कथा भी जरूर सुनाएंगे हिंदी और इंग्लिश में। अब देखते रहिए दूरदर्शन वाले लाइव ऑन। Come on.
Under the guidance of Guru and Vaishnavas. So first we came to Mansi Ganga, and after Sankalp we came to Haridev. Who is Haridev? So this is the same form in which he appeared in the Giriraj Govardhan and called Anore, Anore, asking for more and more. And after having darshan of Haridev and while doing Kunda Parikrama, we will be going to Sanatan Goswami Bhajan Kuti Chakleshwar Mahadev. So first Sridhar Maharaj will be speaking the glories of this place. Of Guru and Vaishnavas. While performing Giriraj Govardhan Parikrama, the place we have arrived is called Haridev Mandir. When Krishna disappeared, all the pastime places of the Krishna was also getting disappeared. So then Brajarnab, he came and he was manifesting all the places again and again. And most of the places that we have been going to, these all are mostly established by Vajranab. So if Vajranab would not have come, then how would we come to know that where Krishna has played flute, where Krishna has done ras, where Krishna has been going for cow herding? So for the people like us who are conditioned souls who will be coming in future, so that we can go to those pastime places and we hear the story of that place and we remember the Lord. So Vajranab, he did all these activities, and specially in Braj Mandal, he established four Deva. In Giriraj Govardhan, Shri Hari Deva. In Mathura, Shri Keshav Deva. And in Vrindavan, Govinda Deva. And in the Gokul, in the Dauji, it is Baldeva. So what is the meaning of Deva? Devo Kridaya Iti Deva. That the one who does so many nice transcendental pastimes is called Deva.
And out of all the pastimes of the Lord, the Ras Lila is the topmost. So the one who manifests his transcendental Ras Lila is called Harideva. So look at the way Krishna is standing in the Vigraha. So this is the same way he has been carrying Giriraj Govardhan on the left hand side, left hand finger, and the second right hand is on the waist. So what does it mean? Though we say that it is very difficult to cross the materialistic ocean, very, very difficult, but if someone comes to the lotus feet of Krishna, takes shelter, so that is why that Krishna is showing that if someone takes shelter to me, it is not difficult for him to cross the materialistic ocean. That is why he is keeping the right hand on the waist. So if we take the shelter of Harinam or Krishna, this materialistic ocean will get dried up. So very slowly, when we will be crossing this ocean, the water will come to the level of our waist and we can easily cross it. And second is the right, left hand finger. Once the parrot and the Tota and Mana, so they were fighting. So Tota said, the parrot said that Krishna has carried the Giriraj Govardhan. So Mana said, in which hand he has been carrying. So the parrot said that on the left. The left side and the left finger, what is the symbol of it? That Srimati Radharani, because the Shakti, the power, always resides on the left hand side. So with the mercy of Radharani, Krishna was able to lift Govardhan. So Krishna standing here, he carried Giriraj Govardhan. Sriman Chaitanya Mahaprabhu also came here along with his associates. When he came here, when he saw Haridev, and he also did dance in this temple saying Nitai. So Mahaprabhu stayed one night here, and also he danced, did kirtan. So Krishna, he carried this Giriraj Govardhan. Why did he lifted Giriraj Govardhan? What is the secret behind it? Vishwanath Chakravarti Pad, he tells four reasons. First is, so Krishna wants to say that if you want to ask something, if you want to beg something, that only beg from Giriraj Govardhan. Because this Giriraj Govardhan is Sarva Abhishta Pradata. So Gurudev used to say, the people who are doing parikrama of Giriraj Govardhan, the Krishna is following all those people. That why he is doing the parikrama, so whatever desires they have, the Krishna fulfills it. So you will see so many stones in the stack position in the Giriraj Govardhan. Why they are stacking the stones of the Giriraj Govardhan? Because they want the multi-story buildings, the houses. So like there was one devotee, they did like this, and first year when we went to their house was very small, and next year when we went to their house, the house was so big. So that devotee himself said that I went to Giriraj Govardhan and I have kept the stones one above another in the stack position, and so I kept three stones one above another. So that is why I got the three-story building. And I do not know that how all the money got arranged and I was able to construct this three-story building. So Giriraj is akama sarva kama va moksha kama udaradhi tivrena bhakti yogena jajeta purusha par. Some people, they worship the other demigods because they get pleased very easily and they give whatever you want. But if you do Krishna bhakti, but Krishna is very crooked.
and so Krishna only gives mukti. But here Krishna is saying in this shloka that whether you have the desires or whether you doesn't have any desire, if you have the desire of mukti or if you have desire of bhakti, so anything you want, only go to Giriraj Govardhan, worship Giriraj Govardhan, because Giriraj Govardhan can fulfill all the desires. So this is the first teaching, that do not go anywhere else, ask for something, just ask everything from Giriraj Govardhan. So Krishnadas Kaviraj Goswami Pad says, so what a big thing Krishnadas Kaviraj Goswami is saying, that the ordinary souls, the Baddha Jeev, they are conditioned souls. They always have the desires and they keep on asking so many things. But I am intelligent person, they are all foolish. So I do not give them, fulfill their desires. So what I do is I destroy their all desires and give them my love. So Dhruv is the best example, that Dhruv, he wanted to get the kingdom and that is why he did the austerities. But as soon as he looked at the Lord, and all his desire got destroyed. And he said that I came here in search of the glasses, the piece of glasses, but now I have got the diamond. So Krishna is saying that I am that God which can complete all type of desires. Dhruv said, I was a foolish that I was looking for a kingdom. If someone is searching for the piece of glasses, but if he gets some transcendental touchstone, then what kind of foolish that person would be if he will be choosing the glasses only, the piece of glasses. So this bhakti is so rare to get. So please give me this bhakti, give me sadhu sangha, give me love in your lotus feet. So this is the first teaching Krishna is giving, that I have stopped worship of the King of Heaven, only worship Giriraj, and he fulfills all the desires. Jai. So this was the first reason why he started worship of Giriraj Govardhan. Second reason is Indra was having the pride that I am the king of heaven. I give rain and that is why grass comes and then the cows give milk. So I am maintaining everything. So I am the king. I am the king of the Brajvasis also. So if I will not rain, they will all die out of hunger and thirst. But This Braj, every creeper, every plant, every tree, it is Chintamani. So it is transcendental Lakshmi Sahasra Satasam Brahma Sevyamanam Govindam Adi Purusham. Brajdham is not an ordinary land. The dust has such a great power that many, many Indra, many, many suns, many, many heavens can be manifested from one dust. So who becomes Indra? After completing 100 Ashwamedh Yajna, one can become Indra. But if you do billions of Ashwamedh Yajna, you cannot become one particle of dust of Braj. Shankar, Brahma, they always keep on hankering to become the dust of this Braj. So this Indra, he is thinking that I am the king of this Braj. Nanda Baba says to Lord Krishna that give me my footwears, and Krishna, he is very difficultly, he is carrying those footwears of the Nanda Baba and is coming to Nanda Baba, and Mother Yashoda, she is twisting the ears of the Krishna and is asking, have you eaten the butter? And that Krishna, Supreme Lord, he is getting scared that Mother is going to beat me. That is why he says, oh mother, I have not eaten butter. Oh my dear mother, listen to me, I have not eaten butter. So Krishna is thinking, so Indra,
how prideful he is? Let me show him. So they stopped Indra's worship and destroyed the pride of Indra. Third reason is, Krishna is thinking that for seven days I want to stay along with all my Brajvasis. I want to celebrate some festival with them. And it is very, very difficult to meet Radharani directly. It is very difficult to meet Braj Gopis, because Krishna is enjoying Parakriya Rasa just like someone else, women, and is hiding and is meeting with the Krishna. So it is very, very difficult to meet with Krishna for someone who is wife of others. So I want to do all these pastimes here. So I will be doing such a pastime so that the gopis and Radharani, they should come very near to me, because it will be so much rain all around, and out of that adverse situation they all will be coming to me. But when there is emergency, generally the women and the males and the females, they stay away from each other. This is the etiquette. But when there is emergency, out of emergency, they will all come near to me. So then the gopis, they have to stay near me, standing near me. And when Srimati Radharani came in front of Krishna, but Krishna, as soon as he looked at Radharani's eye, and he started shaking, trembling, and the Giriraj Govardhan was also trembling because his finger was hand trembling, and all the friends of Krishna, they are saying, "Oh, what are you doing, Krishna? This mountain will fall down and we will all be crashed." So Krishna said, "I cannot control myself." So that is why Krishna, he wanted to enjoy all these pastimes. So that is why for 7 days he wanted to do these celebrations with. If you stand for 10 minutes, it will be uncomfortable for you. For 7 days, 7 nights, they were standing under Govardhan. Krishna did Ras with billions of gopis. So then, how can, like, those millions of people can come under Giriraj Govardhan? Giriraj Govardhan is like the boundary is limited. No, this is Chintamani. This land is Chintamani. Like in the heaven, there is Sudharma's assembly. Like in the Sudharma assembly, what happens is, like, if there is 100 people, there are sitting arrangements for the 100 people. If there are 1,000 people coming, there are sitting arrangements for the 1,000 people. So when a normal assembly in heaven can do this, then what about this transcendental land? So like millions of Brajvasis, they could stand under Giriraj Govardhan, there is no problem. And also, how they can stand for the 7 days? Because they were looking at the lotus beauty, lotus face of Krishna. So like Ras was also done for millions of years, but the gopis, they were thinking that we just came and we are just leaving. So why? Because of the beauty of Krishna, the time spent in the Ras, it was nothing for them. So in the same way, 7 days were nothing for all the Brajvasis when they were looking at the beauty of Krishna. And the cowherd boys, they were helping with the stick, and they said, "Oh Giriraj, Krishna, you take some rest." Then Krishna said, "You will not be able to carry Giriraj." Then all the boys said, "Oh, what are you? Are you challenging me? Are you challenging us? We can carry the Giriraj. So you take off your hand and give it some rest." As soon as Krishna, little like he just pulled off his, took off his hand, and all the sticks started broken. So then all the boys said that, "How you are lifting this Giriraj Govardhan?" Then Krishna said, "No, I was not lifting. You were lifting it. How we were lifting it? Because when you were looking at me, all your power getting transferred to me. That is why, because of your power, I was able to lift Giriraj Govardhan." So all the boys said, yes, I think, yes, you are right that all the power got transferred to you. That is why we are thinking that we are so weak. We are getting so weak. You are taking all the power.
So in this way, for the 7 days, Krishna, he did all these kind of pastimes here. Krishna wanted to do Ras with the Braj Gopis, so that is why he did two pastimes which were full of brave. One is the dance on the Kaliya, and second is carrying this Giriraj Govardhan. So this pastime, just like we say that if we want to do some activity and we say that it is a very easy job for me, it can be done with my left hand, it is so easy, it's not a big deal for me. So in the same way, Krishna, he used the left hand, left finger, that it is this activity is nothing for me. So when the gopis, the Radharani, they saw the bravery of Krishna, they were all attracted. Just like the heroine, how she get attracted towards the hero when he does some kind of brave activity in front of the heroine. So in the same way, Krishna is heroine and all the Braj gopis, they are heroines. So Govardhan, what is the meaning of Govardhan? Go means the senses. The one who is giving nourishment to the senses of the Krishna is called Govardhan. And where it is all rus, all nectar. When Shukdev Goswami was talking about Ras Leela, in the last he said, Madhura Madhura, that it is so sweet that how much I can explain. So Shukdev Goswami said that it is so sweet, so sweet. So Giriraj Govardhan, he helped Krishna in doing his pastimes, especially with Radharani. So that is why all our Goswamis, Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami, they all took shelter of Giriraj Govardhan and even our Gurudev, where we have this much today. So why everyone choose that place to make mutt? Why? Because Gurudev has done bhajan in that area, in that land. He used to do one parikrama. He used to do 2 lakh harinams every day and doing every day parikrama of Govardhan. So this is how Gurudev used to do bhajan here. And that then he went for the preaching in the whole world. With whose mercy? It is only with the blessings of Giriraj Govardhan. Gurudev was doing preaching all over. And he has preached the glories of the Krishna in the whole world. So that is why we have come to the foothills of the Giriraj Govardhan. Gopise Hantayam Adri Rabala. That, O Giriraj, with your mercy, our heart's desire will be fulfilled. So all the type of problems in the life will be destroyed if we take bath in the Mansi Ganga and having darshan of the Haridev and also doing the parikrama of Giriraj Govardhan. So Giriraj completes the desire of everyone and he also completes our desire. So we pray to Giriraj that under the guidance of Radharani, under the guidance of Guru and Vaishnavas, Manjari's Anugatya, we will be able to get service in the Nikunja. To go in parikrama and have not registered their names. So after completing today's parikrama, you meet with Shachinandan Prabhu and get yourself registered. Tomorrow 5:30 we will be going by bus to Nandagaon. Otherwise it will be difficult for us to handle. So those who want to go, please register. Then how? Otherwise how we will be able to understand how many people are going? The brahmacharis also, they are not supposed to give pranami, they just only need to register their names. So we are not asking money from the brahmacharis. So just give your names so that we can arrange the buses accordingly. So you can offer pranam, not pranami, no problem. And in the evening, 4 o'clock kirtan, 5 o'clock harikatha. And remember one thing,
Tomorrow we will be going to Nandagaon. First we will be going to Ter Kadamb, Ashishwar Mahadev, Nand Baba, then Lalitakund. Lalitakund there will be breakfast. Then we will be going to Nand Khirak, Uddhav Kyari, Kokilavan, Chavat. Then we will be coming back. So it is a very long parikrama tomorrow. As per the guidelines of the government, so we will be spending less time tomorrow's parikrama, and afternoon prasad will be in mat. Mike,
होता है। किसी को भरोसा नहीं है। अब मैं बोली अब नहीं आऊंगी। अब भेज दिया कैमरा आगे राजेश हो गए। बोला हर हर महादेव बोलते बोलते हम चल रहे कहाँ हाँ वहाँ जहाँ का है सुंदर सा मीठी सा कथा। अगर सुनना चाहते हैं तो कहीं मत जाइए, मोबाइल को लगा लीजिए चार्ज में और सुनते रहिए देखते रहिए सेब और से विद्या लंकर वाणी। This is a technique of laughing. Because now the people is very, very damned. They're very. Yes, please. Thank you. ये मंदिर वही है जिसको कभी अपने दर्शन नहीं किया इसलिए हम पहुंच गए आपका समय। ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಳ್ರಿ ಪ್ರಭು ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಂಗು ಹಾಕೊಬೇಕು ಐ ವೇರ್ ಮೈ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಜಯ ಪ್ರಭು ಬೋಲ ಪೆನ್ ಆತ ಹೋಗೋ जी अभी हम जा रहा है कहाँ हाँ हम जा रहा है परिक्रमा करते करते चकलेश्वर महादेव की। बोला हर हर महादेव। अगर महादेव जी का दर्शन करना है तो चलते रहिए और देखते रहिए विद्या लंकर वाणी लाइव ऑन। चलो चलो अरे वाला लेके जाओ प्रभु ये कैमरा ले जाओ बढ़िया से वीडियो दिखाएंगे कौन है जाने
Чем они заходим-то?
अरे आपके गोदी में बैठ जाऊंगा तो चाचा है। मेरा कुर्सी है नरतम ठाकुर क्या कर रहे थे कोई बात कोई बात नहीं कैमरा डाल अच्छा क्या कर रहा कैमरा बोल अपना बोल तो बोल दो
कृष्ण गुरु वैष्णव के अनुगत्य में the disciple of guru vaishnava स्थान पर आए हुए हैं the place we have come is परिक्रमा करते हुए डूइंग द परिक्रमा वी हैव कम टू सनातन गोस्वामी महाराज भजन कुटीर वेर एवर सनातन यूज्ड टू शेयर नियर शिव वाज वेरी क्लोज टू शिव शिव भगवान यूज्ड टू गो टू चक्लेश्वर महादेव एंड फ्रॉम महासी गंगा नाव था नाम का नाम था बिलासतरा बिलासतरा नाव का नाव से लेकर विभिन्न प्रकार से बिलास दैट बोट ही यूज्ड टू गो स्थान के संबंध में श्री बन महाराज कुछ बताएंगे श्री बन महाराज विल टेल द हरि कथा वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री ब्रजधाम परिक्रमा करते करते गोविंद ब्रजमंडल परिक्रम वी हैव कम टू मानसी गंगाज बैंक हम लोग सनातन गोस्वामी पाद की भजन कुटी वी वेंट टू सनातन गोस्वामी महाराज भजन कुटीर एंड चक्लेश्वर महादेव दर्शन वी आर सिटिंग इन द बैंक्स ऑफ मानसी गंगा आप लोग ने श्रवण किया इस स्थान के कहा जाता है दिस द प्लेस इज कॉल्ड एज घाट कहा जाता है औरंगा घाट यहाँ पर कृष्ण हियर कृष्ण गोपियों के साथ अनेक प्रकार लीला दिखी ये मानसिंह का जो आप देख रहे वास्तव रूप में कृष्ण के लीला के समय ये यह मानसी गंगा यहाँ से आगे प्रवाहित होते हुए चली गई काल क्रम से तो बंद हो गया किंतु यहाँ से चले गए गुरुदेव बताते थे वो जाकर के वो गंगा के साथ वहीं पर सम्मिलित होते थे गेट सबमर्ज्ड विद गंगा कथा आप लोग ने श्रवण किया जहाँ पर आप लोग मानसी देवी के मनसा देवी के दर्शन करके आए वास्तव उसके नाम है मानसी देवी है कृष्ण के मानसी देवी नाम है इसके मानसी गंगा कहा जाता है एक बार ब्रजवासी लोग कृष्ण के कहने लगे कन्हैया हम लोग तो ब्रज से अभी तो कहीं नहीं गए ना कुछ तीर्थ किया ना कुछ नॉट गॉन टू एनी गोपी सेड वी हैव नॉट गॉन टू एनी ब्रज एनी परिक्रमा स्नान करने के लिए जाते हैं तो कन्हैया हमारे साथ एवरीवन गोस टू गंगा स्नान करके हम लोग सो कृष्ण सेड वी विल गो टू गंगा एंड करने लगे यहां से गंगा बहुत दूर है सो कृष्ण थॉट गंगा इज वेरी फार एंड देयर इज लॉट ऑफ जंगल और गंगा और उसी गंगा में हमारे ब्रजवासी लोग स्नान करने के लिए जाना चाहते हैं तो कृष्ण विचार करने लगे माई लेग्स वाटर गंगा और दूसरी जो है ब्रजवासी अवतार की अवतार माना जाए उसकी चरण धोते जल में क्यों स्नान करेंगे इसलिए कृष्ण ने ब्रजवासी के बोले देखो ब्रजवासी इतने दूर क्यों है यहाँ पर हमारे ब्रज में ही तो सब कुछ है एवरीथिंग इज अवेलेबल इन ब्रजवासी मानो तो केवल कठोरी थे मन चंगा तो गंगा अरे मन चंगा नहीं है तो कैसे स्नान करो देखो कहाँ हमारे ब्रजवासी है नित्य सिद्ध हमारे परिवार कहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं यहाँ पर ब्रज में तो ब्रज में कहीं ब्रजवासी लोग बोले कहीं यहाँ पर गंगा कहाँ है बोले देखो ना गंगा वही आ रहे हैं देखो कृष्ण ध्यान करने के साथ ही साथ कृष्ण के मन से जो है गंगा मानसी गंगा जय लोग जानते इसके मनसा देवी करके पूजा करते हैं कोई भी बात नहीं है किंतु वास्तव में मानसा देवी मन से प्रकट हुए इसलिए नाम मानसी गंगा इट इज अपीयर फ्रॉम द हार्ट ऑफ कृष्णा सो इट इज कॉल्ड मानसी गंगा गुरुदेव कहते थे ये
ऐसे जो है एक खाली चले और वैसे राज गोवर्धन के अंदर एक ऐसे जो है वो छोटा सा रास्ता चला गया वहाँ पर हम लोग जहाँ से The small path from where we came, from there, Govardhan Parikrama is started. It is called Dhan Ghati. Jai! We have to cross that Dhan Ghati and come to Manasikha. देखो स्वयं सनातन गोस्वामी पाद यहाँ पर आकर के वह कृष्ण के वह समस्त लीला आदि स्मरण करने के लिए यहाँ पर बैठते थे और हमारे शिव जी भी यहाँ पर विराजमान है शिव जी इज आल्सो सिचुएटेड हियर देखो सनातन गोस्वामी पाद यहाँ पर भजन करने लगे और मच्छर जो है उनके भजन करने लगे मस्किटो स्टार्टेड ट्रबलिंग देम सनातन गोस्वामी पाद मन में विचार करने लगे आई लीव दिस स्थान दिस धाम एंड गो उनके कितने मित्र होता बोले देखो सनातन तुम मुझ छोड़कर मत जाओ कहीं यहां पर बोले यहां पर मच्छर है ना गो एनीवेयर काटता रहता है बोले देखो आज से मैं ऐसे कर देता हूं सब मच्छर भाग जाएगा आज तक भी यहां पर जो आज लोग खाते हैं डू समथिंग दैट ऑल द मस्किटोस विल गो Even Braja also still, there is still now no one gets bite from mosquito. This is absolute truth. अच्छा चलो यहाँ पर जो कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे देखो इस स्थान का विशेष महिमा क्या है यहाँ से जो है उस मानसी गंगा के उस तरफ अर्थात गिरिराज गोवर्धन के उस तरफ जो है अपोजिट साइड ऑफ गिरिराज गोवर्धन क्या बोले कृष्ण बलराम के सुख के लिए वहीं पर प्रेशर ऑफ कृष्ण बलराम दे आर डूइंग अ हवन भागुरी ऋषि और उस समय पूर्णमासी जोगमाया ने ऐलान कर दिया देखो आज के समय बहुत सुंदर है इस यज्ञ में कोई थोड़ी सी घी दही भी दे दान कर दे योगमाया से इतने बढ़ जाएगा पता नहीं लगेगा आज कहां रखे घी टू द यज्ञ दे वेरी प्रॉस्पेरस थोड़ा सा घी दान करें दूध दही लेकर के और इस कथा के सुन करके देखो समस्त ब्रजवासी लोग विशेष करके जो राधा ऑल द ब्रजवासी सखी को लेकर के टू कॉल देयर सखीस वही कहते हैं कि राधा जी घी दही बेचने के लिए जाते हैं मथुरा को राधा रानी कम्स टू मथुरा गोर टू सेल दही गुरुदेव सेल्स दिस इज रॉन्ग और वो दूध दही बेचने के लिए मथुरा जाएगी नो गुरुदेव बहुत गाली देते थे राधा रानी विल नेवर कम टू सेल दादी दही टू मथुरा दिस इज नॉट ट्रू कहा गया उसके दूसरी अर्थ बताते हैं There is another meaning of this. देखो आइए हमारी कथा प्रसंग यहाँ पर गोपियाँ सब गोपियाँ राधा राधा ललिता विशाखा समस्त गोपियाँ जो है यहाँ पर आ गई आदर के देखा तो उस समय भगवान की इच्छा से मानसी गंगा जो है लपालप भरी हुई थी मानसी गंगा वॉज फुल बड़े बड़े ऊंची ऊंची लहरें आने लगी वेव्स वर कमिंग फ्रॉम मानसी गंगा कैसे पार करें How to so gopis thought how to cross Mansi Ganga. ऐसे कर दिया यहाँ पर एक भी नाव भी नहीं है और कृष्णा जान बुझ करके देखो माया कृष्णा there is no boat छोटा सा नाव लेकर के बस बैठे हैं the whole Mansi Ganga and there was some small broken boat और कैसे खर्राट आने लगे I was sleeping with snoring very loudly. Hey, now bale! Hey, boater man! Hey, now bale! All the sakis were shouting, oh boater man, because the guy was snoring very loudly. देखो साढ़े चार मन हो गए कि पांच मन इतने मोटी गोपी है इसके ओढ़ दो एक कम से कम तो एक चुंदरी उड़ा दो भाई देखो साढ़े चार मन गोपी है यहाँ पर कर रहे हैं वही साढ़े चार मन गोपी कहने लगे नाव वाले वो बोटर मैन है इसलिए खराटा दे रहे हैं और कृष्णा देखो थोड़ा कहने लगे ब्रज के गोपियां सब अल्लाह क्यों बचाते रहते कृष्णा सेड भैया आर यू ऑल गर्ल्स शूटिंग काम करते करते नाव चलाते चलते मैं थक गया थोड़ा सोने भी नहीं देते हो तुम हां ब्रज की छरियां कहां से आ गई
the waterman who was in disguise because Krishna said, देखो हम लोग समय जा रहे हैं, देखो समय पर please, we want to deliver milk and curd. Please leave us to the other opposite bank. So the waterman who was in disguise of Krishna said, no, no, I can't go. Then after some time, after convincing, then came. Jai. Now the waterman has come near the gopis and telling, where do I have to leave? They said, please let us cross the Ganga. So the boaterman said, what will you give as money? So they said, we'll give some money. So they said, no, don't give money, just prostrate to me. बोले देखो हमारे नाव में पहले मैं देख लेता हूँ, देखो हमारे नाव में जो है ज्यादा हम नहीं ले सकते, ज्यादा से ज्यादा 5 मन हम ले सकते हैं, इससे अधिक नहीं। बोले कैसे, इन आवर ओल्ड बोट वी कैन टेक ओनली 5 मेंबर्स। जो है तराजू हम नाप लेते हैं। बोले एकदम से तराजू कहाँ मिले, आजकल लड़ियों को ये करने के लिए मिलता है ना, क्या बोलता है वो, धर्मकांटा, कुछ भी नहीं जानते, इतना धर्मकांटा सुना नहीं है। अरे इतना सब हरे कृष्ण करे, आने कोई धर्मकांटा है कि नहीं जी? हाँ, मसीह चंद्र में जाता था, 50 रुपया देता था मैं, याद है? अरे धर्मकांटा यहाँ पर कहीं जाए, अच्छा कृष्ण वाले कोई चिंता भी नहीं, जाने की जरूरत नहीं, मैं एक एक गोपी को उठा कर देखू कितना है, एक एक गोभी को मैं उठा करके देखूं, कौन गोभी कितने किलोग्राम है, कितना है। I lift one गोभी। Hello। I lift one गोपीज and see how much they weigh। एक गोभी कितना होगा? आप लोग बताओ। 4 क्विंटल। अरे 5 क्विंटल। 4। ये गोभी के कौन ले जाएगा बताओ? महाराज को रोज ले जाएगा, कौन ले जाएगा? महाराज की जय। देखो कहने बोले, अच्छा ज्यादा नहीं तर्क करके ज्यादा क्या होगा, अच्छा चलो एक बात बता दो, सब गोपी के पार करीते नेबो आना आना, राधिका के पार करीते नेबो सोना सोना, और कोई पता करते कहे, सब गोपी के पार करीते नेबो आना आना, राधिका के पार करीते नेबो सोलो आना, कितना आना बताया? 16 17। कितना पैसा? 17 पैसा मीन्स 1 रुपी, सो फॉर एवरी वन 1 पैसा, and for Radha Rani it is 1 rupee means 17 paisa. अरे आना फना तो चला गया ना, इसलिए कब के पता ही नहीं। ये बात हां भाई, 16 आने वाले 1 रुपया, 100 पैसा होता है ना, 100 पैसा जी। हां जी, अच्छा है, 5 पैसे को 8, ये गोभी अच्छा है, जिनको कार जाएगा आपके साथ। हां ये गोभी कोरोना के भय से डर है, ऐसे गोभी हां, ये गोभी कोरोना के भय से For every gopi it is 1 rupee, and for Radha Rani it is for every gopi it is 1 paisa, and for every for Radha Rani it is 1 rupee. सारी गोपी बोले हम लोग कैसे राधा के छोड़कर कैसे, अच्छा ठीक है एक काम करो, अच्छा 2 गोपी हम ले लेते हैं। So the waterman said, ये गोपी पत्नी गोपी है, कौन है आदि आदि कोई आ गया, 50 किलो नहीं, 50 से ज्यादा काफी लो है, 4.5 क्विंटल और वो 50 किलो, 5 क्विंटल पूरा हो गया, 5 पूरा हो गया, अब पूरा हो गया, आ समझ नहीं, बोले नहीं नहीं होगा नहीं, हम क्या करें, 2 गोपी का लेकर के चलते हैं, वी विल टेक ओनली 2 गोपीस, सो ऑल द गोपीस स्टार्टेड डिसाइडिंग हु विल गो फर्स्ट, ये राधा और वो कौन सा गोपी है भाई, श्यामा गोपी है, बोले फर्स्ट राधा एंड श्यामा गोपीस गोस, अच्छा 2 गोपी का ले लिया, सारे गोपी तो सारे बैठे, अच्छा लो 2-4, बोले हम जाएंगे राधा जी जाएगी, हम चले गए 2-4, मंजरी भी तो जाएगी नहीं,
ये मंजरी आती है दाढ़ी आई अरे दाढ़ी वाला मंजरी अरे ये दाढ़ी वाला मंजरी नहीं हुआ पतला वाला कौन से अरे कह दे अरे उत्तम के दाढ़ी है दाढ़ी उसका भी ये रहा ये रहा पच्चीस साल की है अभी तक इधर आ जाइए अरे देखो अच्छा चलो मंजरी में जाना चाहिए ना अच्छा चलो तीन चार तो ले लिया फोर गोपीज वर गोइंग slowly the boat Krishna started rowing the boat and in the middle of Mansi Ganga Krishna started shaking the boat Gopis are telling why are you shaking the boat Krishna ke vastu roop mein Krishna ko koi ek baar dekh le na in someone see sare sharir aise hota rehta hai Actually, if someone sees Krishna, their heart starts melting and shaking. कितने रुपए बताए बता दे 70 किलो ये भी 70 किलो बोल रहा है 70 किलो नहीं 60 किलो 60 किलो देखो वो माफ करके आ गया ये उसको लेकर के दाल पकाने से लेकर ये तो दाल पकाने के बता रहे हैं सर जो 70 किलो है भैया अरे देखो माल तो आ गया कृष्ण जान से हिलो डुल करते ना गांव में नाव ऐसे होले हिले डुलने लगे बोले हम क्या करें मैं तो वही पहले ही कह दिया था तू लोग माने ही नहीं जबरदस्ती जैसे हम लोग जब नवद्वीप में देखा है कि नहीं देखा नवद्वीप किसने परिक्रमा किया अरे भाई हमारे बड़े बड़े तगड़े तगड़े ब्रह्मचारी भैया रुकते हैं अरे रुक जा कोई रुकने वाला थोड़ी है सब सोचते हैं हम एसी नौके में एक नौके में हम पार हो गए और कुछ तो हमारी नदी में समाधि होती तो उसी प्रकार गोपिया तुम लोग तो माने ही नहीं है जबरदस्ती करके उठ चढ़ गया हम क्या करें अभी और देखो हमारे नाव में भी छेद भी है जो है इंटेंस कृष्णा हैड पर्पसफुली मेड अ होल इन द बोट थोड़ा भार कम कर दो बोले क्या करूं पहले दही और दूध जो है डाल दो अच्छा कम हो गया सो कृष्णा सेड टू रिड्यूस द वेट पुट ऑल द दही एंड देखो कर्ड इन दही एंड मिल्क इन द आउटसाइड द बोट And still the boat was overweighted. So Krishna said, remove all the shawls, ankle belts. All the ornaments, which would at least be 25 kgs. So all the gopis removed all the ornaments. Still the boat was shaking. So Krishna said, remove all your dress. Island. और देखो उसमें सुंदर कुंज आ रही इन द मिडल ऑफ मानसी गंगा देयर वाज एन आइलैंड अपीयर्ड एंड कृष्णा एंड ऑल द गोपीज डिड मेनी लीलास फर्स्ट टाइम्स इन द आइलैंड उनके ये समस्त लीला आदि हुई ये समस्त क्या क्या उस लोग है उत्तम बता दो जत्रैव गंगा विष्णुनावि राधा वारज जत्रैव गंगा अनुनावि राधा वारज मध्ये निमग्न नो तिष्ठै रसनो गलो बहु सो गोवर्धन मे दिसता एक राज गोवर्धन जो है देखो साक्षी स्वरूप है एक राज एक हम लोग ऐसे हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं ये कभी तो साढ़े चार मन है ये तो हंसी मजाक छोड़ के इसको पूछो धर्म काटा में लेकर के जाओ अभी जैसे उसके बाद अनेकों लीला आदि हुई After this many pastimes were done, then each of them were crossed to Mathura from Mansi Ganga. रंग रह के लिए विलासी ये सब आर्य ब्रजवासी के दोनों चांद दो बोलो वृंदावन बिहारी लाल मृदंग करताल उठो मृदंग करताल माई बोलो सनातन